सीएम एकनाथ शिंदे गुट के विधायक की बगावत के बाद आज शिवसेना पार्टी प्रमुख के उद्धव ठाकरे के बहुप्रतीक्षित इंटरव्यू का पहला भाग जारी हुआ। कल दूसरा भाग जारी होगा। शिवसेना के मुखपत्र सामना के कार्यकारी संपादक और सांसद संजय राउत ने यह इंटरव्यू लिया है। उद्धव ठाकरे ने इस इंटरव्यू में सीएम शिंदे और बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब वे अस्पताल में थे और उनकी सांसें रुक रही थी, तब मेरी सरकार गिराने के लिए उनकी साजिश चल रही थी। ठाकरे सरकार गिराने के लिए बीजेपी ने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए हैं। उद्धव ठाकरे का इंटरव्यू खत्म होते ही बीजेपी की ओर से पूर्व वित्त मंत्री सुधीर मुंगंटीवार ने भी एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि फिर जब आपकी महाविकास अघाड़ी की सरकार बीजेपी से गठबंधन तुड़वा कर बनवाई जा रही थी, तब भी हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए होंगे। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस प्रवक्ता संदीप देशपांडे ने भी इस बात का जवाब दिया है। उन्होंने कहा पिछले 2.5 सालों में सरकार में खूब संपत्ति बनाकर उद्धव ठाकरे अब सहानुभूति जुटा रहे हैं। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे की तबीयत भी जब बेहद खराब थी, तब वे और उनकी शिवसेना एमएनएस के नगर सेवकों को फोड़ कर अपनी पार्टी में मिला रहे थे। इस इंटरव्यू में अपने ही सवाल थे, अपने ही जवाब थे, सब घर का मामला था, ना कोई बात थी, ना कोई नया खुलासा था। बीजेपी नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने भी बातचीत में कहा कि उद्धव ठाकरे पर सहानुभूति बटोरने का सुर सवार है। उद्धव ठाकरे ने 2019 में देवेंद्र फडणवीस के साथ धोखा किया, क्या वो ठीक था? बीजेपी और एमएनएस के वार पर संजय राउत ने भी पलटवार किया है। संजय राउत ने कहा है रुको, जरा सबर करो, अभी तो इंटरव्यू खत्म नहीं हुआ है, दूसरा भाग कल जारी होने वाला है। अभी तक तो उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे और एमएनएस के बारे में कुछ कहा भी नहीं है, फिर एमएनएस क्यों प्रतिक्रिया दे रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।